पवन सिंह को खुद नहीं पता है कि उनकी फिल्म लोहा पहलवान रिलीज हो रही है। जी हां, आजकल पवन सिंह की एक्टिविटी देखकर तो यही लग रहा है, क्या ये वही पवन सिंह है जिनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती थी पहले वो लाइव आकर अपने दर्शकों को इसकी इन्फॉर्मेशन देते थे और फिल्म देखने के लिए अपने दर्शकों अपने फैंस को अपील किया करते थे। लेकिन इस बार काफी लंबे समय बाद भले ही पवन सिंह दर्शकों के सामने आए हो, दर्शकों के सामने लाइव आकर उन्होंने अपने स्टेज शो की जानकारी दी, लेकिन अपने फिल्म लोहा पहलवान के रिलीज होने की जानकारी उन्होंने न अपने फैंस को दी, न ही अपने दर्शकों से ये अपील की कि वो जाके थिएटर में उनकी फिल्म लोहा पहलवान को देखें। आपको बता दें कि लोहा पहलवान की रिलीज डेट कई बार डिले कर दी गई है। वैसे देखा जाए तो फिल्म को 3 से 4 महीने पहले ही रिलीज हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश फिल्म रिलीज नहीं हुई। ताज्जुब की बात तो तब हो जाती है कि जब ये पता है कि 16 अक्टूबर को प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 और खेसारी लाल यादव की फिल्म बलम जी ऑलरेडी रिलीज हो रही है, जिसमें इन दोनों फिल्मों को दर्शकों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, तब इसी दिन लोहा पहलवान को रिलीज करने का क्या तुक बनता है? कहीं अपने फिल्म के इसी रिलीज डेट को लेकर पवन सिंह और पवन सिंह के फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में कोई कहासुनी तो ना हो गई हो, क्योंकि ये कोई भी स्टार जानता है कि जिस दिन 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, उसी दिन तीसरी फिल्म रिलीज करके कोई भी अपना घाटा नहीं करना चाहेगा। जब भी पवन सिंह की फिल्में रिलीज होती हैं, तो पवन सिंह उसका प्रचार प्रसार अपने फेसबुक अकाउंट के माध्यम से लाइव आकर करते हैं, साथ ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और जो भी वो सोशल मीडिया के अकाउंट यूज करते हैं उस पर अपनी फिल्म के बारे में बताते हैं कि उनकी फिल्म बकायदा इस दिन रिलीज हो रही है। लेकिन लोहा पहलवान को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं यही सब कुछ कारण तो नहीं बन गया कि पवन सिंह ने फिल्म लोहा पहलवान को कहीं प्रमोट नहीं किया? क्योंकि पवन सिंह कहीं न कहीं ये जानते थे कि अगर इसी दिन फिल्म रिलीज हुई तो घाटा उन्हीं का होने वाला है। फिल्म का प्रमोशन तो उन्होंने किया नहीं है, बकायदा खेसारी की फिल्म और प्रदीप पांडे चिंटू ने अपनी फिल्मों का प्रमोशन किया है। लोगों को ये पता है कि फिल्म इसी दिन रिलीज होने वाली है, लेकिन पवन की फिल्म के लिए उनके फैंस भले ही इंतजार कर रहे हो कि फिल्म रिलीज होगी, लेकिन अनाउंसमेंट कहीं नहीं हुई थी, ना ही इसे लेकर कोई प्रमोशन हुई थी। लगता है यही सबसे बड़ी वजह बनी कि फिल्म को प्रमोट न करने का फैसला पवन सिंह ने लिया। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।